यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, और हम लोगों ने बहुत बेहतरीन सेशन लिया है दोस्तों। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के पहले इन मॉडल वर्ब्स को देखिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम जानते हैं मस्ट के बारे में, यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल वर्ब्स मस्ट, और चर्चा करेंगे हम लोग ऑट टू। ध्यान दीजिएगा, हम मॉडल वर्ब्स की चर्चा करेंगे मस्ट, और किसकी चर्चा करेंगे, आर टू की चर्चा करेंगे दोस्तों, और चर्चा करेंगे दोस्तों नीड एवं डेयर के बारे में, यानी कि ध्यान दीजिएगा नीड और डेयर के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ यूज टू के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, इन मॉडल वर्ब्स की आज चर्चा होने वाली है मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज टू, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल बाकी हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और शुड, इन जैसे मॉडल वर्ब्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस कर लिए। इनका यूज किस तरीके से किया जा रहा है और एग्जाम पैटर्न किस तरीके से पूछा जाता है, इन सारी बातों को वहां पर हम लोगों ने बकायदे डिस्कस किया हुआ है। तो सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, हम एक और सूचना दे दें, प्रत्येक दिन आपको शाम को 8:30 हमारा ये सेशन मिलता है, तो आप लोग निश्चित रूप से इस सेशन में जुड़िए और इंजॉय करिए इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि कुछ आपकी प्योर मॉडल वर्ब्स होती हैं, कुछ आपकी सेमी मॉडल वर्ब होती हैं। तो नीड, डेयर और यूज टू इज योर सेमी मॉडल वर्ब्स, तो इनको हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मस्ट और आर टू के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, चलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं हम मस्ट और आर टू के बारे में। तो पहले हम मस्ट की चर्चा करेंगे, फिर आर टू के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। तो मस्ट क्या है, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई, चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। अब मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, मस्ट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मस्ट नेवर यूज्ड इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, ठीक है ना। मस्ट का प्रयोग कभी भी हम लोग इसमें नहीं करते, पास्ट टाइम में नहीं करते, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम में किया जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए कोई समस्या यहां पर, चल आई। अब हमने कहा कि मस्ट का यूज पास्ट टाइम में नहीं किया था, तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। और मस्ट के द्वारा जरा ध्यान दीजिएगा, मस्ट के द्वारा किन किन बातों का जिक्र होता है, किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मस्ट से आपको पहली बात तो ऑर्डर का भाव प्रकट करता है। किसका, ऑर्डर का भाव, यानी कि आपको निर्देश देने का भाव, साथ ही साथ कमांड का भाव आता है, कमांड का, ठीक है, COMMAND। इसी के साथ साथ आपका ड्यूटी, ड्यूटी जानते हैं, ड्यूटी आपका होता है जैसे कि आपका कर्तव्य होता है, ठीक है भाई, कर्तव्य होता है ये आपका, ठीक। और इसी के साथ आपका कंप्लीशन भी होता है, जिसको हम कंपल्सन कहते हैं, कंपल्सन का भी, कंपल्सन में क्या होता है, बाध्यता, क्या होती है भाई, बाध्यता। जरा इनको हिंदी में समझा दें, ऑर्डर अगर आपको क्या हो, आदेश, कमांड भी क्या होता है आपका, कमांड भी क्या होता है, आदेशित होता है कि नहीं, बोलिए जरा, कमांड भी क्या होता है आपका, आदेश होता है कि नहीं, इसको हम निर्देश कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। ड्यूटी क्या है, कर्तव्य है, कंपल्सन क्या है, ये जो है नेसेसिटी, जिसको हम कह सकते हैं, या बाध्यता कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दबाव या बाध्यता, दबाव या बाध्यता कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कहा मस्ट का यूज ऑर्डर, कमांड, ड्यूटी और कंपल्सन
के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात हमने ये जाना कि मस्ट का यूज प्रेजेंट एवं फ्यूचर टाइम में किया जाता है, मस्ट नेवर यूज्ड इन पास्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, चल अब ऑर्डर कमांड ड्यूटी कंपल्सन ये क्या है। जैसे हम कह दें कि यू शुड, ध्यान दीजिए आप, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। ये क्या है भाई? देखिए मस्ट जो है वो शुड की तरह ही होता है, शुड का भी यही हाल होता है इसी तरीके से। ठीक है, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, अब इसका क्या मतलब है? तो आपको जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दैट इज योर ड्यूटी। ठीक है, क्या है ये? ड्यूटी है। और ये क्या है भाई? देखिए यहाँ पर आपको कंपल्सन होता है, यानी यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे हम कह दें भाई यू मस्ट डू एज यू टोल्ड, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। हाँ देखिए भाई, यू मस्ट डू आपको निश्चित रूप से करना चाहिए ऐसा जैसा कि आपसे कहा गया, यू आर टोल्ड। तो यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसे कि आपको कहा गया है। ठीक है, ठीक, अगर हम इस तरह करना चाहें, दे मस्ट डू एज दे आर टोल्ड, यानी कि दे मस्ट डू, उनको ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि उनको बताया गया या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है मस्ट, अब यहाँ पर किसी भाई, तो ये क्या है ऐसा ही करना चाहिए। अब इसकी बात करें क्या ऑर्डर ऑफ कमांड, क्या कंपल्सन, तो आपको निश्चित रूप से ये क्या कह रहा है, आपको निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर चले ऑल स्टूडेंट्स मस्ट, ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास, ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। अब इसमें क्या दिक्कत है? तो सभी छात्रों को निश्चित रूप से क्लास को क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। तो हमने क्या यूज किया, ऑल मस्ट, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास। ठीक है, चले भाई, अगर हम कहना चाहें तो वी मस्ट हेल्प द नीडी, वी मस्ट हेल्प द नीडी, है ना, हमें आवश्यकता, यानी कि हमें आवश्यकता जनित लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नीडी, अब नीडी क्या है आपकी, एडजेक्टिव है, और किसी भी एडजेक्टिव पहले यदि द लगाते हैं तो उससे पूरे वर्ग जाति या समूह का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर द नीडी मतलब द नीडी पीपल, तो हमें वी मस्ट हेल्प द नीडी पीपल, यानी कि हमको नीडी पीपल की मदद करनी चाहिए, यानी कि जिनको आवश्यकता है ऐसे लोगों को जो उनकी आवश्यकता यानी कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। उम्मीद है ये आपको सेशन पसंद आ रहा होगा दोस्तों, इनको देखिए एक बार, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चल हो गया भाई, आगे चलते हैं, अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं फिर आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे हम कहते हैं सोल्जर, सोल्जर, ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा, मस्ट ओबे Soldier must obey
विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर एनी क्वेश्चन लिख लीजिए, यानी कि सैनिकों को निश्चित रूप से आगे का पालन करना चाहिए बिना किसी प्रश्न के, यानी कि जैसे कि आपको ऑर्डर दिया जाए है ना, वैसे ही आपको आगे का पालन करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न या टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो वही क्या गया, सोल्जर्स मस्ट ओबे। अब यहाँ क्या है भाई, जरा बताइए क्या है, निर्देश है या ये कर्तव्य है या ऑर्डर है? तो निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए है ना। तो ये क्या होता है उसका, उसका जो है कर्तव्य होता है कि सैनिक को किसी प्रकार का जो है प्रश्न नहीं करना चाहिए, उनको निश्चित रूप से ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लिए हो सकता है कंपल्सन भी हो सके। ठीक है भाई, चले आइए चलते हैं, अब हम ले चलते हैं आपको आगे। इनको समझ में नहीं, ऑर्डर कमांड ड्यूटी और कंपल्सन किससे निकल कर आता है, आपको मस्ट से निकल करके आता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब मस्ट के द्वारा ध्यान समझिए, मस्ट के ही द्वारा आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मस्ट के द्वारा ही स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अब ये स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि निश्चित, यानी कि यानी कि स्ट्रॉन्ग संभावना, मजबूत एक संभावना का भाव प्रकट होता है, को बतलाने के भी कहता है, जैसे जो होने की घटना हो। अब होने की घटना का मतलब ये है, जैसे जैसे हम कहने मिस्टर शर्मा शर्मा मस्ट बी, जिसको हम कहते हैं मिस्टर शर्मा मस्ट बी 79 या फिर 79 लिख लीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, मिस्टर शर्मा मस्ट बी का मतलब क्या है भाई, होंगे, निश्चित होंगे 70 के। अब मिस्टर शर्मा, अब तो यहाँ क्या है, संभावना क्या है आपकी, स्ट्रांग है, यानी कि 70 के अब होने से ये क्या है आपकी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी, आपने संभावना तो व्यक्त की है कि नहीं। मिस्टर शर्मा को क्या है अब 70 का होना चाहिए, और ये आपकी पॉसिबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग संभावना है, मजबूत संभावना, यानी कि निश्चित रूप से मिस्टर शर्मा क्या है जो है 70 के होने चाहिए और होंगे भी। ठीक है भाई, ये आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की ओर ले जाता है। ठीक, चले आगे, चलिए देखते हैं। They must be hungry after their long journey। बताइए जरा भाई, हमने कहा they must be hungry, वे निश्चित रूप से भूखा होना चाहिए या उन्हें उनको निश्चित रूप से भूखा होना चाहिए आफ्टर दियर लॉन्ग जर्नी, यानी लंबी यात्रा करने के बाद उनको निश्चित रूप से भूखा होना चाहिए, यानी कि निश्चित रूप से क्या होंगे, वो भूखे होंगे कि नहीं भाई, तो निश्चित रूप से भूखे होंगे। तो यह क्या है भाई, अरे लॉन्ग जर्नी के बाद हो सकता है भूखे हुए, निश्चित है कि नहीं भाई, पॉसिबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्रांग है भाई। आप स्वाभाविक समझ लीजिए, आप लंबी यात्रा करें, जब यात्रा करके आएंगे तो स्वाभाविक से क्या है आपका, और लॉन्ग जर्नी करके आएंगे तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है, आप हंगरी होंगे कि नहीं। तो ये कह रहा आफ्टर दियर लॉन्ग जर्नी के बाद आपको जो है वे जो है निश्चित रूप से क्या होंगे, हंगरी होंगे। ठीक है, चले बोलिए, कोई दिक्कत है यहां पर, आगे चलते हैं। चले कोई दिक्कत तो भाई नहीं, अगर हम जैसे कह दें मिस्टर सुरेश मस्ट बी हंग्री नाउ
नाउ, यानी कि अब इसमें क्या कर सकते हैं, मिस्टर सुरेश मस्ट बी हंग्री नाउ। हंग्री नाउ मतलब अब वो भूखे होना चाहिए, मतलब वो क्या है पूरी तरीके से भूखे हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है आपकी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए अगर इसी तरीके से बात करें तो हम कहते हैं इंडिया, ध्यान दीजिएगा, मस्ट हैव, ना समझिए मस्ट हैव लग गया है भाई। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, वन द, इंडिया मस्ट हैव वन द सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इंडिया मस्ट हैव वन द सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, यानी इंडिया को सेकेंड टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ निश्चित रूप से जीतना चाहिए। और क्या है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है, संभावना, निश्चित जीतना चाहिए, है कि नहीं। अब जीतना चाहिए और जीता भी है, पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, मस्ट हैव। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा जो अब बताने चल रहा हूँ, निष्कर्ष निचोड़ देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि यदि वुड हैव प्लस वी थ्री लगा हो, कुड हैव प्लस वी थ्री लगा हो, माइट हैव प्लस वी थ्री लगा हो, तो इनसे काम होना चाहिए था बट काम होता नहीं है। यहां पर आपको काम होना चाहिए लेकिन काम होता नहीं है, काम नहीं होता है। ठीक है, आपको पास होना चाहिए था लेकिन आप पास नहीं हुए, आपको खाना चाहिए था लेकिन आपने खाया नहीं था। ये चीजें वुड कुड और माइट के साथ ये कहानी निकल कर आती है। ठीक है, लेकिन लेकिन जैसे ही मस्ट हैव के साथ बी थ्री आता है, ध्यान दीजिएगा, मस्ट हैव के साथ बी थ्री आता है तो यहां पर जो है मस्ट हैव के साथ बी थ्री आता है तो यहां पर काम को होना चाहिए और काम होता भी है, यानी कि काम होना चाहिए और काम होता भी है और काम होता भी है। ठीक है, होता भी है, ये कहानी इसके साथ आती है, यानी इसका मतलब हम निगेटिव में यूज करते हैं, इसका मतलब हम पॉजिटिव में यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इससे काम तो करने की बात आती है लेकिन काम नहीं होता। ठीक है, काम होना चाहिए लेकिन काम नहीं होता, यहाँ पर काम होना चाहिए और काम होता भी है। जैसे देखिए, इंडिया मस्ट हैव वन द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, इंडिया को जो है सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जीतना चाहिए और वो क्या है जीती भी है, तो क्या है स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रांग संभावना यहाँ पर है, तो जहां पर संभावना स्ट्रांग है वहां पर निश्चित रूप से प्रेजेंट सेंस होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चले कोई दिक्कत नहीं आता, आगे चलते। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं, अब इसके साथ मान लीजिए हम नेगेटिव वर्ड यूज करते, ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूँ दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अब जैसे आप, हम इसका मस्ट का निगेटिव यूज करते हैं, तो मस्ट का जब निगेटिव यूज करते हैं तो हम किसी चीज को प्रोविजन के रूप में रोकते हैं, प्रोविजन जानते हैं बाध्यता के रूप में, रोकने के रूप में। ठीक है, रोकने के रूप में, यानी किसी चीज को हम कहना चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, तो हम किसी चीज क्या करते हैं रोकने के सेंस में प्रयोग करते हैं, तो मस्ट नॉट का यूज करते हैं। अरे भाई किसी चीज को हम निगेटिव यूज, मस्ट नॉट भी होता है ना, तो वहां पर आपको क्या है वो रोकने का सेंस देता है। जैसे कि हम एग्जांपल को आपको समझाएं, जैसे हम एग्जांपल समझाएं, यू मस्ट नॉट, मस्ट
नॉट मिस द क्लास। अब ये क्या है भाई, हमने कहा यूज किया मस्ट के साथ नॉट भी यूज किया, तो आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए। ये क्या है आपकी, यहाँ पर आपको बाध्यता के रूप में दिया जाता है, ठीक है भाई, बाध्यता के रूप में दिया जाता है। आप किसके रूप में, बाध्यता के रूप में दिया जाता है, और एक्शन पर आप क्या है जोर दिया जाता है, तो इसलिए मस्ट का भी प्रयोग किया था। किसका, मस्ट नॉट का यूज किस लिए प्रयोग किया था है, ये होता है कंपल्सरी के लिए, कंपल्सर के लिए, ठीक है, बाध्यता प्रोविजन के लिए, प्रोविजन। और क्या है आपको ऊपर क्या करे, बाध्यता के लिए भाई, जैसे कि यू मस्ट नॉट मिस द क्लास, आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए, ये क्या है आपकी प्रोविजन, आपको रोक रहा है, आपको जो क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, चलिए, यू मस्ट नॉट टॉक टू विद स्टूडेंट इन द क्लास, यू मस्ट नॉट टॉक टू विद स्टूडेंट इन द क्लास, आपको दुष्ट छात्रों, क्लास के दुष्ट छात्रों से क्या नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। ये क्या है आपका, प्रोविजन है कि नहीं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं प्रोविजन के लिए, रोकने के लिए, हम किसी चीज को दबाव डालने के लिए करते हैं इसका, मस्ट नॉट का। कोई दिक्कत, मस्ट नॉट समझ में आ गया दोस्तों, तो मस्ट नॉट आप जान लीजिए। पहला हमने कहा कि मस्ट नॉट का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में होता है, मस्ट नेवर यूज्ड इन पास्ट टाइम, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताई कि मस्ट के द्वारा आपको जो है ड्यूटी, जिसको हम कहते हैं कर्तव्य, ऑर्डर कह सकते हैं, कमांड कह सकते हैं, है कि नहीं, प्रोविजन कह सकते हैं, है ना, इन सारी बातों का जिक्र किया जाता है, जिसमें आपको निश्चित रूप से घटना। और यहाँ पर यदि हम मस्ट के साथ हैव की कहानी जोड़ते हैं, मस्ट हैव के साथ बी थ्री का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर काम को होना चाहिए था और काम होता भी है, लेकिन जैसे ही वुड हैव प्लस बी थ्री, वुड हैव प्लस बी थ्री, माइट हैव प्लस बी थ्री कहानी आती है, तो वहां पर आपको काम तो होना चाहिए था बट काम नहीं होता है, यानी कि अनप्रेजेंट सेंस में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मस्ट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सेंस में प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानना होगा। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आर्ट टू की तरफ। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और सारे बच्चों को जोड़ दीजिए। आर्ट टू, आर्ट टू की बात करें तो आर्ट टू भी क्या है, इसका अर्थ भी क्या होता है, चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आर्ट को हम टू से अलग नहीं करेंगे, अन्यथा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। आर्ट के साथ टू को अलग नहीं करेंगे भाई, ठीक है। जो हमारा सेंस शुड के साथ प्रयोग किया जाता है, वही सेंस हमारा लगभग और लगभग यानी कि 100% आर्ट टू के साथ भी किया जाता है, ठीक है। शुड का भी अर्थ होता है चाहिए, और इसका भी अर्थ होता है चाहिए, और मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आर्ट टू किसके बराबर होता है, शुड के बराबर होता है, ठीक है। चले अब आर्ट टू का मॉरल ड्यूटी के बताने के लिए किया जाता है, जो इसका हम पहली बात करें, आर्ट टू का प्रयोग किसके लिए, मॉरल ड्यूटी। अब मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य, अब नैतिक कर्तव्य क्या किया जाए भाई, ठीक, अब नैतिक कर्तव्य यू, वही कहानी है भाई, आर्ट टू रिस्पेक्ट या ओबे योर पेरेंट्स, यही है भाई कहानी। जरा देखिए, हमने कहा भी मस्ट लगाया था और शुड भी लगाया था, आर्ट टू भी लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉरल ड्यूटी के लिए तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम चलते हैं इस तरह से, कह दे बी आर्ट टू, आर्ट टू हेल्प द नीडी,
अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि वी मस्ट हेल्प द नीडी, यही कहानी हमने पढ़ा था, है कि नहीं दोस्तों? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही। वी आर टू हेल्प द नीडी, हमें जो है जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ये इससे संदेश आपको देता है, ठीक है। मॉरल ड्यूटी, ये कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ पर निश्चित रूप से ये आपका ड्यूटी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि मतलब यहाँ पर आपकी जो कहते हैं निश्चित रूप से वो होना ही चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अब आगे ले चलते हैं आर्ट टू के द्वारा। पहली बात तो हमने सीखा मॉरल ड्यूटी, दूसरी बात हम कह दे भाई आर्ट टू के द्वारा एडवाइस आता है, ध्यान समझिएगा, सूट के द्वारा भी एडवाइस आता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा खाना चाहिए, आपको ऐसा पीना चाहिए, है ना, डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। तो हम सूट के द्वारा भी सलाह का यूज करते हैं और वहां पर एडवाइस यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ड्यूटी अभी हमने बताया आपको जो मॉरल ड्यूटी है उसका भी, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन यानी कंपल्सन होता है, जो नेसेसिटी होता है, ठीक है भाई, जरूरत, जो हम निश्चित रूप से किसी से काम को करना ही है, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, क्या एडवाइस, ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, और हमने आपको बताया था वही नैतिक कर्तव्य, वही ड्यूटी कर्तव्य है, जो मॉरल ड्यूटी है उसके लिए भी, ठीक है। कोई दिक्कत? चले आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह रहे एग्जांपल के रूप में समझते हैं, यू आर टू रीड, यू आर टू रीड दिस बुक, दिस बुक, ठीक है। इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव, समझिए, आपको निश्चित रूप से इस किताब को पढ़ना चाहिए। इट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है, आपको इस बुक को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है भैया, आपका एक सलाह है, क्या है, एक सलाह है कि आपको निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि विकास भी लगा सकते हैं या फिर हम जो है काम करके काम चला सकते हैं। इट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है दोस्तों, बोलिए। चलिए, यू आर टू कंसल्ट, यू आर टू कंसल्ट अ फिजिशियन, फिजिशियन, यू आर टू कंसल्ट अ फिजिशियन, आपको क्या करना चाहिए, फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। ये क्या है आपका एडवाइस, क्या है एडवाइस, समझ में आ रही बात, बताइए कुछ भेजे में गया। देखिए मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें से 95% में बात करूं कि टीचर्स और स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं या किसी तरीके से आपको काम से ला करके समझा करके छोड़ देंगे। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस हमारे साथ जुड़ जाइए और आप एक एक मॉडल वर्ब्स को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिए, ठीक है। कभी इस तरीके का आपको नहीं मिलने वाला है कि इनसे क्या निकलता है, एडवाइस, ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ कैसे यूज है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है दोस्तों। चलिए गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के जो है कहते हैं कि चलो ठीक है यार, मॉडल वर्ब्स पढ़ा देंगे लास्ट तक, वो लास्ट तक ले जाते आपको दो चार कहानी बता करके मॉडल वर्ब्स का पल्ला झाड़ देते, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब्स आपकी है तो कुछ भी नहीं, और देखा जाए है तो बहुत कुछ भी, ठीक है ना, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, तो क्योंकि वर्ब्स का पार्ट है तो आधा हिस्सा इन्हीं के हाथ में होता है, तो बिल्कुल इनको जाया मत दीजिए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आइए देखते हैं, वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड, वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड, हमें अपने मित्र की क्या करनी चाहिए,
मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है आपका भाई, देखा जाए तो आपका ड्यूटी बोल सकता है, मित्र की मदद करनी चाहिए, है कि नहीं, यहाँ पर सलाह सुझाव तो हो नहीं सकता। ठीक है चल आगे चले भाई, अब हम जरा देखिए आर्ट का कैसे निगेटिव बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको नोट डाउन करते रहिए और दो तीन चार बार इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसका कहीं बाहर नहीं जाने वाला, एक आपको रट जाएगा। यदि हम ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम इसके साथ नॉट का यूज करें, इसका ऑट नॉट टू, तो ऑट नॉट टू ऐसा तो नहीं, नहीं पता चला आप लोग इस तरह से लिख दें ऑट टू नॉट, तो ये दैट इज रॉन्ग वे, ये आपका गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या यूज करेंगे ऑट नॉट टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई, आर्ट टू का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को करेंगे, है ना, यहाँ पर आपका अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो आपका जो है मोरल जो है ड्यूटी हो, है ना, चाहे वो आपका एडवाइस हो, तो वो यहाँ पर आप काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आर्ट नॉट टू है, तो ये अपनी आप जिम्मेदारियों को पूरा ना करने से ये संबंधित होता है, क्योंकि ये रॉन्ग, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, इनको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो आर्ट टू, आर्ट नॉट टू का मतलब ये होता है कि हम जो है काम करने से, काम को, अपनी जिम्मेदारियों को काम नहीं, या अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, मतलब कि काम नहीं करना चाहते। देखिए ठीक, जैसे हम कहते हैं दे आर्ट नॉट टू स्मोक, स्मोक टू मच, टू मच या सो मच, ऐसे लिख लीजिए सो मच। ठीक है दोस्तों, दे ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, कोई दिक्कत है आपका? अरे भाई इसका मतलब क्या है, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को या अपनी किसी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करें, दे ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, हमें सो मच क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए, तो लेकिन हम क्या करते हैं, करते हैं कि नहीं भाई, तो ये हमारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए प्रयोग के दर। चलिए जैसे हम कहते हैं द चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉज वॉज द टी वी सो लॉन्ग सो लॉन्ग। ठीक है भाई, जरा बताइए, तो यहां कह रहा बच्चों को बहुत ही ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या है, हम क्या करते हैं, अपने जो इस जिम्मेदारी को पूरा न करने के अर्थ में, यानी कि फिर भी क्या करते हैं, ये आपकी क्या है, हम देखते हैं ना, तो ये जिम्मेदारी को पूरा ना करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इनको ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से, तो ये आप इनको जानते हैं, गलती यहाँ देता है ऑट टू नॉट करके गलती देगा, तो ऑट नॉट टू का प्रयोग होता है, ये कभी भी ऑट नॉट टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, चले भाई, आइए अब आगे चलते हैं, अब ले चलते हैं आप लोगों को, ये आर टू हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया मस्ट का यूज, पढ़ लिया आर टू का यूज कर पढ़ लिया, अब ले चलते हैं आपको यूज टू की तरफ, ध्यान दीजिएगा, अब आ गए हम लोग सेमी मॉडल वर्ब्स की तरफ, सेमी मॉडल वर्ब्स की तरफ, तो सेमी मॉडल वर्ब्स कितनी होती है आपकी, सेमी मॉडल वर्ब्स तीन होते हैं, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका आता है यूज टू, इसमें आपका आता है नीड, और इसमें आपका क्या आता है डेयर, ध्यान दीजिएगा, इनको सेमी मॉडल वर्ब्स क्यों कहा गया है, बात को समझिएगा दोस्तों। ठीक है, दैट इज योर थ्री वर्ब्स इज कॉल्ड सेमी मॉडल वर्ब्स, अब इनको सेमी मॉडल वर्ब्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज वी यूज या दैट मॉडल वर्ब्स यूज इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ध्यान दीजिएगा, दैट मॉडल वर्ब्स यूज इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब,
when we use as helping verb, we use first form of the verb. क्या यूज करेगा? जब हम इनको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनके साथ हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना. तो व्हेन वी यूज एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस सेमी मॉडल वर्ब्स, वी जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनका नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको हम सिंगुलर में बना सकते हैं और इनको हम प्लूरल में भी बना सकते हैं. बात समझ में आ गई ना. इस वर्ब को हम सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में बना सकते हैं, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसको हम सिंगुलर प्लूरल थोड़ी बनाएंगे दोस्तों. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल वर्ब्स, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही साथ मॉडल वर्ब्स का भी काम करती हैं. ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनको क्या कहा गया, सेमी मॉडल वर्ब्स. अब बात आ रही है यूज टू की, तो एक कहानी समझते हैं उसके बाद आगे चलते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यूज टू की कहानी क्या है भाई. यूज टू की कहानी ये है, ध्यान समझिए, यूज टू का प्रयोग हम कहां करते भाई. तो यूज टू का पहला यूज देख लीजिए, यहां पर ये यूज टू है, इसकी कहानी जरा देखिए. तो इसका पहला यूज ये है, यूज टू का प्रयोग हम लोग पास्ट हैबिट यूज टू सो द पास्ट हैबिट. क्या बताएगा भाई, पास्ट की आदत, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैबिट किसका यूज करते हैं, यूज टू का. यानी कि आप पहले ऐसे किया करते थे, मैं रोज सुबह आई गॉट अप या आई यूज टू गॉट या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठा करता था, मैं रोज विद्यालय जाया करता था. तो ये आपका क्या है, पास्ट की हैबिट है. और पास्ट की हैबिट आदत बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये जैसे हम कहते हैं आई यूज टू स्लीप यूज टू गो टू स्लीप लेट एट नाइट. यानी कि मैं देर रात ही सोया करता था. तीसरा देखिए, दूसरा हो गया तीसरा. आप तीसरे की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह दूं वी यूज टू ड्रिंक, वी यूज टू ड्रिंक डेली. ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है भाई आपका, ये कहानी आप क्या बताता है कि मैं डेली ड्रिंक किया करता था, मैं डेली देर रात तक सोया करता था, मैं हम यूज टू गेट अप अर्ली, हम सब सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, है कि नहीं. तो दैट इज योर पास्ट हैबिट. तो यूज टू सो द हैबिट ऑफ इन द पास्ट, है कि नहीं, हैबिट पास्ट की हैबिट को बताने का काम करता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं. कोई दिक्कत यहाँ पर दोस्तों, बताइए. चले आइए चलते हैं, अब हम चलते हैं यूज टू से जो क्वेश्चन बनकर क्या था दोस्तों, जरा समझिए. जब ये यूज टू है तो यूज टू यानी कि हम कैसे यूज किया, इनको समझिए इस तरीके से. कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. अगर सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहता है. दोस्तों हमने कहा कि यदि हमारा सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, यूज टू. अब यूज टू लगा दिया तो ये क्या है, पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है कि नहीं भाई. अब जरा इसको बताइए, अगर इसको हम निगेटिव बना, यानी कि समझ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, यूज टू हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है या निगेटिव बनाना है, ध्यान समझिएगा. क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर निगेटिव बनाना है. तो जैसे मान लीजिए हम पहले निगेटिव बनाते हैं, हमने सब्जेक्ट ले लिया. अब सब्जेक्ट लेने के बाद क्या किया, यूज. अब यूज के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट. ठीक है, अब इसके बाद क्या, टू. तो दैट इज योर निगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट हैबिट. अब इसको हमको क्या बनाना है, जरा बताइए, इस तरीके से बनाएंगे या फिर
या फिर और कैसे बनता है, एक तरीके से और बनाया जाता है, कैसे, ये सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, डिड, डिड के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है। अब नॉट के साथ क्या लगा देंगे, यूज टू, ये भी आपको क्या शो करेगा, ये भी आपको क्या शो करेगा, ये भी आपको पास्ट की हैबिट ही शो करेगा, ठीक है भाई। ये कहानी समझ में आ रही ना कुछ, वही चीज है। अरे सेकंड फॉर्म है, हम इसको डिड बना करके, यानी डू डस डिड के साथ इसको फर्स्ट फॉर्म बना दिया, कहानी वही है। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, अब इंट्रोगेटिव इस तरीके से बनाता है तो यूज टू भी आ जाता है पहले, यूज टू के बाद हम क्या लगाएंगे, यूज टू नहीं आएगा, सिर्फ यूज आएगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या आएगा, टू आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर परेशानी, या फिर हमें कोई इस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाएंगे अब इसको जरा बताइए। डिड को हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, यूज, और इसके बाद क्या लगाएंगे, टू, ठीक है भाई। तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार होगा, इनको देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट डाउन करिए इनको। तो ये अक्सर आपको दिया जाता है, इस पर क्वेश्चन भी दिया जाता है कई तरीके से, इनको आप लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आइए इनको एग्जांपल समझते हैं, ठीक। चलिए अब जैसे आप कह दे भाई, We, ये लिखा था, used not to daily drink, या drink daily, to drink daily। अब यहां समझिए, we used not to drink daily, ये कहानी है। अब इसको जरा इस तरह से बनाइए, कैसे बनाएंगे, उस तरीके से बनाइए। तो क्या करेंगे, we did not use to drink daily, ये कहानी होगी भाई, दोनों सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट को बताने का काम करेगा, समझ में आ गया, ये लिख लीजिए इसको। ठीक, आगे एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई Use not to play cricket. I use not to play cricket at college. ठीक है, I use not to play cricket at college. करेक्ट करिए इसको भाई, बताइए दोस्तों जरा। चलिए तो इसको हम बनाते हैं दूसरे तरीके से, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू प्ले, ये तो होगा क्रिकेट, यानी कि मैं अपने कॉलेज टाइम पर, कॉलेज में, यानी कि मैं कॉलेज पर क्रिकेट नहीं खेला करता था कॉलेज, ये चले। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इस तरीके से मान लीजिए, यूज्ड सी टू प्ले, ध्यान समझिएगा, यूज सी टू प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन ये क्या है आपका, क्वेश्चन वाली वर्ड है कि नहीं। अब इसको उस तरीके से बनाते हैं, क्या करेंगे, डिड को पहले रख देंगे, क्या लगाएंगे, डिड को पहले आ गया, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए सी, सब्जेक्ट चाहिए, अब इसके बाद क्या चाहिए, यूज लगाएंगे, टू लगाएंगे, कोई दिक्कत यहां पर, बताइए जरा भाई, ठीक है, प्ले क्रिकेट या प्ले बैडमिंटन, ये कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका यूज जो की कहानी, एक बात और नोट डाउन कर लीजिए जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो हम इसकी यूज टू की कुछ विशेष बातें बताने वाले,
यूज टू की विशेष बातें ये है दोस्तों कि यूज, ध्यान दीजिएगा, ये जो यूज टू है और यूजेस टू, ध्यान दीजिएगा, इनको कभी भी हम प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। यूज टू या यूजेस टू कभी भी प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। हैबिट बताने के लिए, बताने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये आपकी कहानी है भाई यूज और यूजेस टू को, ठीक है। यूज टू हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, इस तरीके से आ जाता है, ही यूजेस टू स्मोक, ठीक है भाई। तो ये गलत बात है, ही यूजेस टू स्मोक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही स्मोक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही है, ये आपका गलत है, क्योंकि प्रेजेंट में आप क्या करते हैं भाई, प्रेजेंट में आप करते होंगे तो प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम यूज होता है कि नहीं होता, तो इसको प्रयोग हम नहीं करते, केवल पास्ट की हैबिट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, सेशन कैसा लगा आप लोग शेयर करते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल पर नए हो, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नीड और डेयर का प्रयोग। बहुत ही प्यारा सेशन होगा इनका, जो कि मॉडल वर्ब्स का लास्ट सेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।